जरा सोचो कि तुम्हें एक ऐसी गोली मिल जाए जिसे खाने के 10 सेकंड बाद तुम्हारा दिमाग अपने 100% पोटेंशियल तक पहुंच जाए और तुम एक बार जो भी देख लो वो तुम्हें याद हो जाए और तुम अपने दिमाग की शक्ति से दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओ। क्यों, सोचकर मजा आया होगा ना। तो आज की हमारी कहानी एक ऐसा इंसान के बारे में है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था और खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। फिर जो उसके साथ हुआ उसकी जिंदगी रातों रात बदल गई और वो आदमी करोड़पति से करोड़पति बन गया। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एडी को दिखाया जाता है जो एक राइटर बनना चाहता है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल खाली और उसने कई दिनों से एक अक्षर भी नहीं लिखा है और ना ही उसके पास कोई जॉब है। और जाहिर सी बात है कि ऐसा नाकारा बॉयफ्रेंड किसी को भी चाहिए। तो उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी अपनी जान छुड़ाकर उससे भाग जाती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से एडी लिंडी के साथ रहता था और वही उसका ध्यान रखती थी। पर अब लिंडी भी चली गई है तो एडी की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है, जिससे अब दो वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। फिर एक दिन एडी को उसकी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड का भाई वर्ण मिलता है और वो एडी को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ दोनों गप्पे मारने लगते हैं। और एडी उसे बताता है कि उसने कई दिनों से एक अक्षर भी नहीं लिखा है, जिसकी वजह से उसकी रातों की नींद उड़ गई है। और एडी को इतनी परेशानी में पाकर वर्ण उसे एक गोली देता है जो किसी फार्मा कंपनी ने बनाई है और ये गोली अगले साल मार्केट में आएगी। पर वर्ण उस कंपनी के लिए काम करता है तो उस कंपनी ने इस गोली को उसे ट्राई एंड टेस्ट करने के लिए कहा है और वो एडी को बताता है कि इस गोली को लेने से हम हमारे दिमाग का 100% यूज कर सकते हैं और तुम्हें इसे किताब लिखने में मदद मिलेगी। इतना बताकर वर्ण एक अर्जेंट काम का बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एडी भी अपने घर की ओर निकल जाता है और रास्ते में वर्ण की दी हुई गोली खा लेता है। और जैसे ही एडी अपने अपार्टमेंट में पहुँचता है वहाँ उसे मकान मालिक की वाइफ मिल जाती है और वो एडी से मकान का किराया मांगने लगती है। पर एडी का ध्यान कहीं और ही होता है और अचानक उसे हर छोटी से छोटी चीज की आवाज सुनाई देने लगती है और उसे अब सब अल्ट्रा वाइड एंगल में दिखाई दे रहा है। फिर वो अपने आर्ग्यूमेंट और बुद्धिमानी से मकान मालिक की वाइफ को इम्प्रेस कर लेता है और मकान मालिक की वाइफ उसका किराया माफ कर देती है। और जब एडी अपना गंदा घर देखता है तो सबसे पहले वो अपना घर साफ करता है और गोली से उसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो 10 लोगों का काम अकेला ही कर लेता है और एक ही रात में 90 दिनों का काम करके एक बुक लिख देता है। लेकिन अगले दिन एडी को फिर से वैसा ही फील होता है जैसा वो गोली लेने से पहले फील कर रहा था, यानी एडी का दिमाग फिर से ठंडा पड़ गया है। खैर, उसके बाद वो रात में लिखी हुई अपनी किताब एक बुक पब्लिशर को दिखाता है और उन्हें चैलेंज करता है कि आप सिर्फ इस किताब के शुरुआत के 3 पन्ने पढ़िए और मजा ना आए तो मैं आपको पैसा दूंगा। इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके घर पहुँचने से पहले ही उसे एक मैसेज मिलता है उसी बुक पब्लिशर का और उसे एडी की बुक बहुत पसंद आती है और वो एडी को बुक का क्लाइमेक्स लिखने के लिए कहती है और बुक लॉन्च का सारा खर्चा उठाने के लिए भी तैयार होती है। लेकिन क्लाइमेक्स लिखना पुराने एडी की बस की बात नहीं होती तो वो सीधा गोलियां लेने वर्ण के घर जाता है। लेकिन वर्ण की फटी हालत देख कर एडी डर जाता है और उसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर वर्ण बताता है कि उसके काम में ये सब आम बात है। फिर एडी को पता चलता है कि वो गोली कोई मेडिसिन नहीं बल्कि एक ड्रग है जिसको वर्ण ने एक लैब से चुराया है और उसके पीछे कई गुंडे पड़े हैं जिन्हें ये ड्रग चाहिए। ये बताने के बाद वर्ण एडी से अपने पर्सनल काम करवाता है, जैसे उसके कपड़े ड्राई क्लीन करना, उसके लिए खाना लाना और एडी को उस गोली के लिए सब करना भी पड़ता है। इन शॉर्ट, एडी अब वर्ण का नौकर बन चुका था। खैर, एक दिन यही सब करके जब एडी वर्ण के घर जाता है तो उसकी आंखों के सामने रायते की तरह वर्ण फैला हुआ दिखाई देता है और ये दृश्य देखकर एडी की दुनिया पोपटलाल की तरह हिल जाती है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और अपने डर को एक पल के लिए साइड में रखकर गहरी सांस लेता है और उन गोलियों के बारे में सोचता है और पूरे घर में गोलियां ढूंढने लगता है, किचन, अलमारी, ड्रॉवर, हर जगह, पर उसे गोलियां नहीं मिलती। फिर वो वर्ण की तरह सोचता है और सीधा माइक्रोवेव में हाथ डाल देता है जहाँ उसे पैकेट में बंद पासपोर्ट, कुछ पैसे और बहुत सारी गोलियां मिलती है और वो तुरंत पैसों और गोलियों को अपने पैंट में छिपा लेता है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और वो वर्ण को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है और वर्ण की पूछताछ करके एडी को छोड़ देती है। फिर वो अपने घर जाता है और एक गोली खा लेता है और उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। फिर वो अपना हुलिया सुधारता है और एक सड़क छाप से जेंटलमैन बनकर अपनी बुक क्लाइमेक्स सिर्फ 4 दिन में लिख लेता है और पब्लिशर को सौंप देता है और रोज एक गोली खाने लगता है और हर चीज बड़ी तेजी से सीख रहा होता है, चाहे वो पियानो बजाना हो या कैसीनो गेम्स में हर बार जीतना। इतना ही नहीं, उसने आज तक जो भी देखा था उसे वो सब याद आ जाता है और अपनी जिंदगी बड़े ऐशो आराम से जीने लगा। ट्रेवल करना, महंगी महंगी गाड़ियां चलाना, हर रोज नई गर्लफ्रेंड बनाना, इन शॉर्ट एडी वो सब कर रहा होता है जो वो हमेशा से करना चाहता था। और अब उसे जल्दी से अमीर बनने की चुल मस्ती और वो स्टॉक मार्केट को घोट कर पी जाता है। मगर स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए उसे पैसे चाहिए थे पर उसे बैंक कभी भी लोन नहीं देती, तो वो एक गुंडे
से $100,000 पैसे उधार ले लेता है जिसका नाम गैंडी होता है। और अगर एडी ने एक महीने में सारे पैसे ना लौटाए तो गैंडी उसे जान से मारने की धमकी देता है। फिर एडी उन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा देता है और एक हफ्ते लगातार काम करके $2 मिलियन कमा लेता है। और ये बात स्टॉक मार्केट में फैल गई थी और उसे स्टॉक मार्केट के किंग कार्वेन लून का जॉब ऑफर आता है। और जो गर्लफ्रेंड लिंडी उसे छोड़ गई थी वो उसके पास फिर से आ जाती है। अब ये मत सोचना कि एडी सक्सेसफुल हो गया है इसीलिए लिंडी उसके पास आ गई, नहीं ऐसा नहीं है। लिंडी हमेशा से एडी से सच्चा प्यार करती थी, वो बस ये चाहती थी कि एडी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और ये बात एडी भी जानता था। खैर एडी और लिंडी फिर से साथ रहने लगते हैं और हर न्यूज़पेपर में एडी के स्टॉक मार्केट को लेकर आर्टिकल छपने लगे और सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन एक रात अचानक एडी को अजीब महसूस होता है और वो घर के बाहर पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि सुबह हो चुकी है और लिंडी तैयार होकर अपने काम पर जा रही है। यानी रात से सुबह के बीच जो भी हुआ उसे कुछ याद नहीं होता और एडी को नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। सीन चेंज होता है और हमें एडी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए दिखाया जाता है और वही उसके कार्वेन लून के साथ पहली मीटिंग होती है और एडी अपने स्टॉक मार्केट की नॉलेज कार्वेन लून के साथ शेयर करता है और कार्वेन लून उसे इम्प्रेस होकर उसे जॉब पर रख लेते हैं और उसे कल से आने के लिए कहते हैं। और जब वो अपने घर जा रहा होता है अचानक उसे वही मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम होती है और वो चलते चलते शहर के बाहर आ जाता है और उसे कुछ याद नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आया। और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और वो पूरे दिन इधर उधर भटकता रहता है और देखते ही देखते 18 घंटे बीत जाते हैं। और जैसे ही गोली का नशा उतरता है वो खुद को एक ऊंची जगह पर पाता है, पर आज तो उसकी मीटिंग होती है और वहाँ अपने झंडे गाड़ने के लिए उसे गोली खानी होगी। पर मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम देखते हुए एडी बिना गोली खाए मीटिंग करने चला जाता है। पर जब वो मीटिंग के बीच में न्यूज पर एक लड़की की मौत की खबर सुनता है जिसके साथ उसने एक रात पहले इलू इलू किया था और वो तुरंत मीटिंग के बीच से उठकर वहां से चला जाता है और उसे लगता है कि शायद उसने उस लड़की को मारा है, पर उसे ठीक से कुछ याद नहीं होता। और इस मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम के बारे में और जानने के लिए वर्न के पुराने क्लाइंट्स को कॉल करता है लेकिन वो सब मर चुके थे। ये जानकर एडी और डर जाता है, पर लिस्ट में एक आखिरी नाम बचता है मलिशा का, जो एडी की कॉलेज टाइम की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी और वर्न उसका ही भाई था। और वो उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और उससे मिलने जाता है, लेकिन एडी के ध्यान देने पर उसे पता चलता है कि उसका पीछा एक आदमी कर रहा है और वो उससे बचकर भागने लगता है और सीधा एक रेस्टोरेंट में मलिशा से मिलने पहुंच जाता है। पर मलिशा भरी जवानी में बूढ़ी औरत के जैसे दिख रही थी और वो बताती है कि उसकी हालत उसी गोली की वजह से हुई है और अगर उसने वो ड्रग लेना बंद नहीं किया होता तो वो आज जिंदा नहीं होती। फिर वो एडी को भी ड्रग लेने से मना करती है, जिसके बाद रोड पर एडी को गिंडी मिलता है जो एडी से पैसे मांगता है और उसे मारता भी है। यानी एडी का अब बुरा वक्त शुरू हो जाता है। फिर गिंडी को पता चलता है उस ड्रग के बारे में और वो एडी से जबरदस्ती एक ड्रग लेकर खा जाता है और पैसे लेकर वहां से चला जाता है। और एडी अधमरी हालत में सीधा लिंडी के पास जाता है और उसे घर जाकर वो गोलियां लाने के लिए भेजता है, क्योंकि एडी की हालत इतनी खराब होती है कि वो खड़ा तक नहीं हो पाता। और जब लिंडी गोलियां लेकर वापस आ रही होती है उसके पीछे वही आदमी पड़ जाता है और लिंडी उससे बसती हुई एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाती है और एडी को कॉल करती है, जिस पर एडी उसे गोली खाने के लिए कहता है और लिंडी गोली खा लेती है, जिसके बाद लिंडी का दिमाग रॉकेट की तरह चलने लगता है और वो वहां से भागकर एक पार्क में चली जाती है और उस गुंडे की बुरी हालत कर देती है। और अब लिंडी भी उस ड्रग के बारे में जान जाती है, पर लिंडी सारी सच्चाई जानने के बाद एडी को छोड़ देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि एडी ने उसके साथ धोखा किया है और एक ड्रग की मदद से ये सब हासिल किया है। खैर एडी अपनी प्रोटेक्शन के लिए 2 बॉडीगार्ड हायर करता है ताकि उसे कोई मार ना पाए और अपनी बिखरती हुई जिंदगी को एक बार फिर ट्रैक पर लाने के लिए वो कार्वेन लून को ज्वाइन कर लेता है और उसके पास कुछ और गोलियां बचाई हुई होती है जिन्हें यूज करके वो स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा ब्रोकर बन जाता है। और मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम से बचने के लिए वो शराब बंद कर देता है और एक अच्छी डाइट लेने लगता है और उन गोलियों को सबकी नजर से बचाने के लिए अपने हर सूट में एक पॉकेट बनवा लेता है। फिर वो उस लैब का पता कर लेता है जहाँ गोलियां बनती थी और एक डॉक्टर को $2 मिलियन का लालच देकर उसे गोलियां बनाने के लिए कहता है 6 महीने के अंदर। और काफी टाइम से एडी होटल रूम में रह रहा था, पर अब वो एक घर खरीद सकता है और $8.5 मिलियन का एक घर खरीदता है। और एडी की वजह से कार्वेन की कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होता है और उसे पता चलता है कि एक क्लाइंट का खास आदमी वही होता है जो उनके पीछे काफी टाइम से पड़ा है। पर एडी का पास्ट गुम फिर कर उस तक पहुंच जाता है जब 2 अप्रैल को वो लड़की मरी थी जिसके साथ उसने रात बिताई थी। और इस केस में एडी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा होता है। फिर एक दिन वो कातिल पकड़ा जाता है जिसने उस लड़की को मारा था और एडी उस केस से बच जाता है, मगर जिस सूट में गोलियां थी उसमें से पुलिस स्टेशन वालों ने गोलियां निकाल ली है। और जब वो ऑफिस जाता है कार्वेन के पास तो उसके नाम पर एक पार्सल आता है जिसके अंदर उसके बॉडीगार्ड्स के हाथ कटे हुए मिलते हैं, पर ये किसने किया है उसे नहीं पता और वो डर के मारे सीधा अपने घर जाता है और कुछ देर आराम करता है।
जाता है। पर तभी वह घिंडी और उसके गुंडे दरवाजा पीटने लगते हैं और उनसे बचने के लिए एडी को वो गोलियां चाहिए होती है और उसे याद आता है कि उसके पुराने घर में एक डब्बे में लास्ट गोली पड़ी है जहाँ से सारा सामान पैक होकर इस घर में आ चुका है और वो उस डब्बे को ढूंढने लगता है। वही गुंडे दरवाजा काट देते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। पर तब तक एडी को आखिरी गोली मिल जाती है पर वो उसके हाथ से बालकनी में गिर जाती है और वो गुंडे एडी को गोलियों के लिए मारने लगते हैं और उसके बॉडीगार्ड के हाथ इन्हीं गुंडों ने काटे थे। और गिंडी जैसे ही उसे मारने वाला होता है एडी अपनी चालाकी से उसे ही चक्कू मार देता है और वो मर जाता है। लेकिन एडी के शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं होती तो वो गिंडी का खून पी लेता है क्योंकि उसने कुछ समय पहले वो ड्रग ली थी। और खून पीते ही एडी का दिमाग रॉकेट की तरह चलने लगता है और वो बचे गुंडों को एक एक करके मार देता है। और पुलिस को ये लगता है कि ये सब एडी ने अपनी जान बचाने के लिए इन सबको मारा है। फिर वो उस आदमी के पास जाता है जो उनके जान के पीछे पड़ा था क्योंकि वही जानता है कि और गोलियां किसके पास मिल सकती है। और एडी उसे पैसों का लालच देकर एक इंसान के घर से गोलियां चुरा लेता है जिसके कुछ दिनों बाद एडी की बुक लॉन्च होती है जो उस साल की नंबर वन सेलर बनती है। और अब एडी ब्रोकर का काम छोड़कर एक बुक पब्लिशिंग कंपनी खोल लेता है जो बड़ी तेजी से ग्रो कर रही थी। और अब एडी बिलियनर बन चुका था और एक अच्छा इंसान बन जाता है और सारे बुरे काम बंद कर देता है। ये जानकर लिंडी उसकी लाइफ में फिर से आ जाती है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपनी डिमांड कमेंट जरूर करें।